गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू इन टूडेज लेक्चर ऑफ लो वैक्यूम इशूज इन स्टीम जेट इजेक्टर्स। आज बेसिकली हम ये समझेंगे कि स्टीम जेट इजेक्टर अगर आपका लो वैक्यूम बना रहा है तो उसके प्रोबेबल कॉजेज क्या क्या हो सकते हैं और इमीडिएटली इस प्रॉब्लम को हम किस तरीके से ट्रबल शूट कर सकते हैं। सो बिफोर स्टार्टिंग टूडेज लेक्चर, अगर आपको मेरे लेक्चर्स अच्छे लगते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जितना ज़्यादा पॉसिबल है उतना ज़्यादा वीडियोज को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड से शेयर कीजिए। मेरे इस लेक्चर के PDF का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, जिसको भी ये डाउनलोड करना है वहां पे जाके इजली डाउनलोड कर सकता है। स्टार्टिंग विद टूडेज लेक्चर, सबसे पहले हम ये बात करते हैं कि स्टीम जेट इजेक्टर की वर्किंग का बेसिक प्रिंसिपल क्या होता है। तो इसकी जो वर्किंग का बेसिक प्रिंसिपल होता है वो होता है आपका बर्नौलीज थ्योरम। बर्नौलीज थ्योरम बेसिकली तीन टाइप के एनर्जीज का सम है, जिसमें पहला होता है आपका प्रेशर एनर्जी, सेकेंड होता है आपका काइनेटिक एनर्जी और थर्ड होता है आपका पोटेंशियल एनर्जी। इन तीनों का सम आपका एक कांस्टेंट होता है। मींस अगर मैं एक नॉर्मल पाइप में फ्लो की बात करता हूं तो वहां पे ये जो थर्ड वाला टर्म है पोटेंशियल एनर्जी वाला टर्म, ये मेरा आपका एक कांस्टेंट हो जाता है, बिकॉज हाइट मेरा हॉरिजॉन्टल के केस में हाइट मेरी कांस्टेंट है। लाइक इस पाइप को आप देखिए तो हाइट मेरी एच की वैल्यू कांस्टेंट हो जाएगी। अगर मेरे को दो पॉइंट्स में ये थ्योरम अप्लाई करनी है, इसका मतलब ये हुआ प्रेशर एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू कांस्टेंट। मींस अगर मेरा प्रेशर एनर्जी बढ़ेगी तो मेरी काइनेटिक एनर्जी कम होगी और वाइस वर्सा, अगर मेरा काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो मेरा प्रेशर एनर्जी कम होगी। अब इसी बेसिक प्रिंसिपल पे काम करता है मेरा स्टीम जेट इजेक्टर। स्टीम जेट इजेक्टर के केस में अगर आप देखेंगे तो बेसिकली एक काफ़ी छोटी सी नोजल होती है जिसके थ्रू जब भी किसी मटेरियल को पास किया जाता है, जब आप स्टीम को उससे पास करते हैं तो क्या रहेगा, जब हाई प्रेशर की स्टीम एक छोटी नोजल से पास करेगी तो वहां पे उसके अंदर जो प्रेशर एनर्जी है वो आपकी कम होगी और जो वहां पे काइनेटिक एनर्जी है वो आपकी इंक्रीज होगी। इसे समझने के लिए आप समझ सकते हैं इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी, जो क्या बोलता है, A1V1 इज इक्वल टू A2V2 इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। मीन्स जब आपका एरिया कम होगा तो आपकी वेलोसिटी ज्यादा होगी और जब आपका एरिया ज्यादा होगा तो आपकी वेलोसिटी बेसिकली कम होगी। इसके लिए जब आप स्टीम जेट इजेक्टर के नोजल से स्टीम पास करते हो तो वहां पे हाई प्रेशर की स्टीम होती है, उसकी वेलोसिटी कम होती है। जैसे ही वो नोजल से निकलेगी इमीडिएटली उसकी वेलोसिटी आपकी इंक्रीज हो जाएगी और प्रेशर उसका बेसिकली ड्रॉप हो जाएगा। अगर इससे रिलेटेड हम एग्जांपल की बात करते हैं तो स्टीम जेट इजेक्टर, अगर आपको समझना है कि स्टीम जेट इजेक्टर में जैसे ही स्टीम हाई प्रेशर की स्टीम पास हुई तो वो वैक्यूम कैसे क्रिएट करती है, तो उसके लिए सबसे बेस्ट एग्जांपल है रेलवे प्लेटफॉर्म। जब आप रेलवे प्लेटफॉर्म पे खड़े होते हैं और सुपरफास्ट ट्रेन आपके सामने से जाती है तो आपको एकदम से ऐसा लगता है कि आप ट्रेन की तरफ खींचे हुए चले जा रहे हैं। दैट मीन्स वो जब हाई वेलोसिटी की ट्रेन गई तो उसने एक लो वैक्यूम का जोन क्रिएट किया। अब उस लो वैक्यूम के जोन के क्रिएट होने की वजह से आपको ऐसा फील होता है कि आप उस डायरेक्शन में खींचे जा रहे हो। यह सबसे बेस्ट और लाइव एग्जांपल है जो आप कभी भी फील कर सकते हैं। इस डायग्राम में जस्ट मैंने आपको यह समझाने की कोशिश किया है कि बैरोमेट्रिक पॉट क्या होता है और उसका क्या इंपॉर्टेंस होता है। ये देखिए, ये आपके इजेक्टर का नॉर्मल सेटअप है जो ऊपर मैंने दिखाया है। नीचे ये जो इजेक्टर्स में आपका स्टीम जो आप यूज करते हैं, अलग अलग आपके जो स्टेजेस होते हैं उसमें जो इजेक्टर्स में आप स्टीम यूज करते हो वो स्टीम कंडेंस होके बेसिकली नीचे एक पॉट होता है जिस पॉट में आती है। इस पॉट को बेसिकली हम बैरोमेट्रिक पॉट बोलते हैं और ये जो नीचे लेग्स जैसे दिख रहे हैं जिनके थ्रू ये स्टीम कंडेंस होके आ रही है, इसको हम बोलते हैं बैरोमेट्रिक लेग। याद रखिएगा कि बैरोमेट्रिक लेग की जो मिनिमम लेंथ है वो आपका 10.3 मीटर होनी ही चाहिए, बिकॉज फुल वैक्यूम मीन्स 1 ATM -760 mmHg 1 kg प्रेशर को ब्रेक करने के लिए आपको एटलीस्ट 10.33 मीटर की हाइट चाहिए ही चाहिए होगी। इसीलिए जो बैरोमेट्रिक लेग है इसकी हाइट मिनिमम 10.33 मीटर आपकी रखी जाती है। इसमें नीचे जो आपका पॉट है इसमें पानी भरा हुआ रहता है और ऊपर से आपका जो भी स्टीम है वो कंडेंस होकर इसमें कॉन्टिन्यूसली आती रहती है। अब हम बात करते हैं कि इजेक्टर का अगर परफॉर्मेंस नहीं मिल रहा है तो क्या क्या आपको देखना है। सबसे पहला, इस डायग्राम को गौर से देखिए, होप आपको ये सेटअप क्लियर होगा लेकिन फिर भी मैं बता देता हूं। ये आपका यहां से स्टीम एंटर की,
ये आपका यहाँ से स्ट्रीम आ रही है, जो आपकी स्टीम है वो स्टीम आपके सिस्टम से वैक्यूम को लेके यहाँ से अंदर की तरफ आई। ये आपका कंडेंसर लगा हुआ है जिसमें कूलिंग वाटर है, इसमें कंडेंसर में स्टीम कंडेंस हुई और नीचे आ गई। बट जो भी आपके सिस्टम के अंदर वेपर्स थे, जो कंडेंसेबल और नॉन कंडेंसेबल दोनों का मिक्सचर था, ये इस पाथ से अंदर की तरफ आते हैं। यहाँ पे जो भी कंडेंसेबल वाला पार्ट है वो यहाँ कंडेंस होकर नीचे चला जाता है, और जो नॉन कंडेंसेबल पार्ट है ये यहाँ से आगे की तरफ मूव करता है। सेकेंड, यहाँ पे दोबारा फिर स्टीम आपकी एंटर होती है, अगेन ये अपने साथ में यहाँ पे जो भी कंडेंसेबल पार्ट और नॉन कंडेंसेबल पार्ट है उसको लेके आगे की तरफ मूव करता है। यहाँ पे दोबारा कंडेंसेबल पार्ट नीचे चला जाता है और बचा हुआ पोर्शन आगे जाता है। अगेन यहाँ पे फिर आपने दोबारा इजेक्टर लगाया, स्टीम अप्लाई की, अगेन सेम प्रोसेस रिपीट हो रहा है, और नीचे ये जो कूलिंग वाटर से कंडेंस होके स्टीम जा रही है ये आपके बैरोमेट्रिक पॉट में जाती रहती है। अब इसमें जो नंबर ऑफ स्टेजेस का सिलेक्शन होता है कि आपको 2 स्टेज 3 स्टेज या फिर 4 स्टेज का इजेक्टर यूज करना है, वो बेसिकली डिपेंड करता है कि आपको कितना वैक्यूम चाहिए। मींस आपकी वैक्यूम की रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप अपने इजेक्टर का सिलेक्शन कर सकते हैं। आप इजेक्टर का डिजाइन डाटा देख सकते हैं कस्टमर से लेके कि आपको कितनी स्टेजेस पे आपको स्टीम के कितने कितने फ्लो रेट्स यूज करने हैं और कितने फ्लो रेट्स पे आपको बेसिकली कितना वैक्यूम मिलने वाला है। अब अगर बात करते हैं कि एक इजेक्टर आपके प्लांट में रनिंग है बट रनिंग कंडीशन में उसमें वैक्यूम नहीं आ रहा है या फिर कम वैक्यूम आ रहा है, तो आप क्या क्या चीजें चेक करेंगे? इसमें सबसे पहला पॉइंट होता है, आपको सबसे पहले स्टीम का प्रेशर देखना है। हर एक इजेक्टर एक पर्टिकुलर स्टीम के प्रेशर के लिए डिजाइंड होता है। मान लीजिए कोई इजेक्टर डिजाइंड है 5 kg स्टीम के प्रेशर के लिए, आपके प्लांट में अगर वो प्रेशर कम होता है या फिर ज्यादा होता है, इन दोनों ही कंडीशंस में इजेक्टर जो वैक्यूम बना रहा है वो एकदम से बैठ जाएगा। अच्छे से समझिएगा, कम या ज्यादा दोनों कंडीशंस में आपका इजेक्टर जो भी वैक्यूम बना रहा है वो आपका सडन ड्रॉप हो जाएगा। सेकेंड, इजेक्टर की जो नोजल होती है उसका जो होल होता है उसका डायमीटर बहुत ही छोटा होता है, उसके चोकिंग होने के चांसेस काफी ज्यादा रहते हैं। तो कई बार जब आप इजेक्टर्स स्टार्ट करते हैं, शट डाउन में लेते हैं फिर स्टार्ट करते हैं, या फिर कई बार रनिंग कंडीशंस में भी ऐसे चांसेस रहते हैं कि अगर एक छोटी सी रस्टिंग का पीस भी आता है तो वे आपकी इजेक्टर की नोजल को चोक कर सकता है। तो सेकेंड इंपॉर्टेंट पार्ट होता है कि आपको इजेक्टर की नोजल भी चेक करनी है कि कहीं उस नोजल में आके कोई कचड़ा तो नहीं फंस गया है। थर्ड वन इज, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि स्टीम जो आपने यूज की उस स्टीम का काम है आपके सिस्टम से वेपर्स को खींच के लाना। अब आगे जो भी आप खींच के लाए हो उसका आगे का काम रहता है कि वो जो आप अपने साथ में लेके आ रही है स्टीम वेपर्स, वो सारे के सारे आपके कंडेंस होने जरूरी है। मींस जो आपका कंडेंसर है वो वैक्यूम क्रिएट करने के लिए काफी क्रिटिकल रोल प्ले करता है। बट अगर कूलिंग वाटर का जो टेम्परेचर है वही सफिशियंट नहीं होगा तो जो भी वेपर्स आ रहे हैं वो कंडेंस होंगे ही नहीं, वेपर्स और स्टीम, इसका मतलब आपको वैक्यूम मिलेगा नहीं। इसीलिए कूलिंग वाटर का टेम्परेचर काफी क्रिटिकल रोल प्ले करता है। फोर्थ, कूलिंग वाटर का फ्लोरेट, सेम अप्लाइज हियर ऑल्सो। अगर आपको फ्लोरेट ही नहीं मिलेगा कूलिंग वाटर का तो आपके वेपर्स कंडेंस नहीं होंगे, वेपर्स और स्टीम, मतलब आपको वैक्यूम वहां भी नहीं मिलने वाला है। तो आपको ये भी दोनों चीजें सबसे पहले चेक करना है, कूलिंग वाटर का फ्लोरेट प्रॉपर आ रहा है नहीं आ रहा है, कूलिंग वाटर का टेम्परेचर जितना मेरे को चाहिए था उतना मिल रहा है या फिर नहीं मिल रहा है। एंड नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज बैरोमेट्रिक लेग को जाके इमीडिएटली चेक कीजिए कि उसमें वाटर एक पर्टिकुलर लेवल तक मेंटेन है या फिर नहीं मेंटेन है। अदरवाइज होगा क्या, आपका सिस्टम तो वैक्यूम क्रिएट कर रहा है लेकिन अगर बैरोमेट्रिक लेग में पानी का लेवल उतना हो जाएगा कि आपकी लेग डिप नहीं है तो वो वहां से एयर सक कर लेगा और आपके वैक्यूम को ब्रेक करने लगेगा। इसीलिए बैरोमेट्रिक लेग भी चेक, बैरोमेट्रिक पॉट भी चेक कीजिए कि उसमें प्रॉपर तरीके से आपका पानी सारी लेग्स डिप है या फिर नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका लीकेज इन पाइपलाइंस। जो भी आपका इजेक्टर्स का पूरा सेटअप है उसमें अच्छे से चेक कीजिए कहीं किसी गैस्केट से या कहीं किसी पाइपलाइन में कोई पंचर तो नहीं है। स्पेशली लोग जो सबसे ज्यादा मिस करते हैं वो होता है बैरोमेट्रिक लेग, वो काफी बारीकी से देखिएगा बिकॉज बैरोमेट्रिक लेग में कई बार ऐसा पाया जाता है कि आपने पूरा सेटअप तो चेक कर लिया लेकिन बैरोमेट्रिक लेग आपने मिस कर दी। तो बैरोमेट्रिक लेग कभी भी मिस मत करिएगा, अगर वहां पे भी कोई भी लीकेज होगा तो आपको वैक्यूम नहीं मिलने वाला है। अगर आपके कंडेंसर्स के जो ट्यूब्स हैं वो अगर चोक होंगे इन दैट केस भी आपको यूटिलिटी का प्रॉपर फ्लो नहीं मिलेगा और आपको
आपके सिस्टम में डिजाइन वैक्यूम नहीं मिलेगा। अगर आपको लग रहा है कि आपका सिस्टम सही है लेकिन फिर भी आपको रिएक्टर के ऊपर वैक्यूम नहीं मिल रहा है, इन दैट केस आप रिएक्टर इजेक्टर के बाद में आपने जो भी रिएक्टर या जो भी इक्विपमेंट लाइन में लिया है उसका प्रॉपर तरीके से न्यूमेटिक लीजिए, क्योंकि कहीं ना कहीं पे लीकेज है। अगर आपका इजेक्टर परफॉर्म कर रहा है लेकिन आपको सिस्टम में वैक्यूम नहीं आ रहा है, इसका मतलब इजेक्टर के आगे की जो भी पाइपलाइंस हैं वो आप प्रॉपर तरीके से चेक कीजिएगा। नेक्स्ट वन आता है आपका होल्डअप। ये आपको काफ़ी ज़्यादा समझना ज़रूरी है कि इजेक्टर्स की जो भी कनेक्टिंग लाइन्स हैं उसमें किसी भी तरीके का आपका होल्डअप नहीं होना चाहिए, बिकॉज एक तरफ आप वैक्यूम लेने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन कहीं भी अगर आपकी लाइन में होल्डअप अवेलेबल होगा तो वो आपके सिस्टम में प्रॉपर तरीके से वैक्यूम नहीं आने देगा। इसका मतलब कि आपको आपका जो सिस्टम है उसमें उसको आपको होल्डअप फ्री करना है। होप आपको इजेक्टर से रिलेटेड सारे पॉइंट्स बिल्कुल क्लियर हो गए होंगे और आप